तो मामा जी ने बोला नहीं राजू जा तू बकरियां ढूंढ के लेके आ, शक्कर चाय पत्ती और शक्कर अभी चाय ढूंढ जाती गाइस। हम गाना चला दो यार एक बार, गाना एक बार। हाँ तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुझे तो हेलो गाइस एक बार फिर से हमारे चैनल आरआर कमिंग में आपका स्वागत है। तो आज क्या हुआ कि मैं अपने मामा जी के घर पे आया था, तो मामा जी घर पे आया तो मामा जी की क्या बकरियां घूम गई, बकरियों में से एक बकरी घूम गई, बकरियां नहीं। तो अब मामा जी ने बोला कि राजू तू आया है तो बकरियां ढूंढ। अब उनको क्या मालूम कि राजू को कहाँ ढूंढना आता है कहाँ नहीं आता है। तो मामा जी ने बोला नहीं राजू जा तू बकरियां ढूंढ के लेके आ। तो भाई साहब आया हूँ पहाड़ों के बीच में बकरियां ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को जैसे मालूम कि अगर ये मौका है तो रोहन कुमार जेलिया जी को ही बुला लिया जाए। तो वो भाई साहब मैंने उनको ही बुला लिया, अब मैं उनको भी दिखाऊंगा आपको और हम दोनों जाएंगे बकरियां ढूंढने। टन 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 टन। हेलो करो रोहन कुमार जेलिया जी। हाय। तो हम दोनों आएंगे और चलेंगे उधर पहाड़ियों पर, मामा जी ने बोला है कि इन पहाड़ियों के इधर बीच के अंदर वो बकरी मिल जाएगी आपको। तो हम चलते हैं उधर और बकरियां ढूंढते हैं। तो चल चलो रोहन, वहाँ हो सकती है आप किधर, तो चलो चलते हैं। तो छोटी सी आशा है छोटे है मंजर, आराम से देख के आना भाई। रानू काटो चुप गया यार मारे। अब मामा जी को हम जाके वापस बोल देंगे बकरी मिली नहीं। तो चलिए गाइस चलते हैं अभी। ये गांव में बहुत वो होती है ऐसे ऐसे पौधे मिलेंगे आपको, बहुत शानदार शानदार है, मतलब सिटी में तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं। देखो टन 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 यार रोन यार ये बकरी ढूंढने का मौका पहले क्यों नहीं मिला तेरे को? ये क्या पड़ा है रोन? ये क्या रोन? ये वो कचरा है जो यहाँ लाके जलाया जाता है गांव वाला। अरे मारवाड़ी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं अपने को भाई ये कचरा है। अरे कचरा है ये, मतलब इतना अनुसरण जलाया गया कि ब्राह्मण बन गई। तो चलो जरा ऊपर बकरी ढूंढ ले फिर मुड़ो वहां पर। तो चलिए गाइस चलते हैं बकरी ढूंढने। रास्ता थोड़ा है तो सही है, मामा जी ने बोल दिया। भाई मामा जी को कोई मना नहीं कर सकता, मालूम है आपको ये चीज? मामा जी को अगर मना करते तो वो आड़ा बंद कर देंगे कि वीआईपी की औलाद घर पे रहे तू यहां क्या कर रहा है। छोटी सी आशा है रोन यार उधर देख क्या उधर हो सकती है यार, वहां देख क्या उधर। कौन है की हाँ हाँ तो फिर और ऊपर चलते हैं अपन। सामने देख क्या मामा, थोड़ा और आगे थोड़ा भाग के जा भाई। क्या चीज है वो? यार ये पेड़ कौन सा आया तेरे पास में जो खड़ा है? पीछे पीछे देखना ये पेड़ किस चीज का है? यार ये रास्ता काफी घाटा लग रहा है मेरे को यार। भाई तू पता नहीं कहाँ ले आया मेरे को यार। झाड़ी काटीले पदार्थ के साथ हम लोग यहाँ आए। तो गाइस देखो यार मैं शायद पहली बार आया हूँ इसी पहाड़ में। कितना भयंकर तरीके से एक तरह से झरना है ये, आप लोग देख सकते हो झरना एक तरह से। ये सारे पहाड़ी इलाका है यहाँ पे। ओ गाइस खरगोश, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, निकल गया वो हमारे चंबू से। गाइस हमको बड़ी कठिनाइयों के साथ यहाँ चढ़ना पड़ रहा है। ओ गाइस एक और झरना दिख रहा होगा आपको, लेकिन हमारा दोस्त राजेंद्र प्रसाद बाकुलिया कहाँ खो गया? राजू अरुण कहाँ है भाई? अरे मैं इधर हूँ इधर पहाड़ पे ही। गाइस हमारे राजेंद्र प्रसाद बाकुलिया बिल्कुल भी थके हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उस समय मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे सूरज अस्त होने वाला है। गाइस हमारे राजेंद्र जी काफ़ी गहराइयों से बकरी को ढूंढने में लगे हुए हैं, इनकी एक आदत अच्छी लगती है मेरे को, ये हर काम को अपना समझ के करते हैं। यार मैं थक गया यार भाई। तो ये मैंने क्या सुना अभी, मैं बोल रहा था कि हमारे राजेंद्र प्रसाद बाकुलिया जी थकने का बिल्कुल नाम लेते हैं, अभी बोले थक गए। ओ माय गॉड ये क्या है? चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है इस पहाड़ में चाय। ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। देखो भाई आपने ना मेरे को ऐसे रास्ते से उठाया तो गिटार मेरे साथ में था, लेकिन चाय का सामान कहाँ से
चलो भाई, तुम कह रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करते हैं बकरी मिल जावे, दूध की व्यवस्था हो जावे। गाइस हम काफी ऊंचाई पर आ सकते हैं, आप देख सकते हो राजेंद्र का कपिला बहुत खुश है। गाइस यार नेशनल इंडिया लेकर है ना, उससे भी ज्यादा थक गए यार गाइस यार। हां बकरी मिली, ये क्या चीज़ है यार? ये आपका घर है मेरे हिसाब से? नो, इसने कहूँ नहीं हो सकता यार। ये पहाड़ देखता बड़े छेद कैसे कर लेते हैं, वो समझ नहीं आता। पता नहीं यार कैसे। तो एक बार देख, इधर ऊपर देख लेते हैं यार। बकरी भाई यार देखो, अपन पहुँच चुके हैं बिल्कुल इधर ऊपर टॉप पे, जहाँ पे बकरी मिल ले रही है। यार कुछ भी कर यार, मेरे को चाय पीना है यार, थक गया मैं पूरा बुरी तरीके से यार। मेरे को चाय पीनी है यार, करते हैं चाय की व्यवस्था करते हैं मेरे भाई। तो गाइस रोहन को भेजा अपन ने चाय शक्कर वो लेने के लिए। अरे बनाएंगे किस में चाय, तो वो भी अपन चलो देखेंगे, पर वो आएगा भी तो देखते हैं, शायद हो सकता है वो कुछ लेके आ जावे। तो ले आएगा तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो, और नहीं लाएगा तो उसकी व्यवस्था भी होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आप दिल से कुछ करो तो बिल्कुल होगा। वो भगवान क्या पूरी जन्नत आपको उसको मिलाने के लिए लग जाती है। तो गाइस मेरे को कुछ दिख रहा है पीछे। तो गाइस दूध की व्यवस्था हो चुकी है लगभग अपनी, तो देख रहे हैं आप टन टन ये है भैंस, इनके पास बकरी भी होगी, तो दोनों का अपन देख लेंगे जिससे व्यवस्था होगी। तो गाइस आप देख लो कितना शानदार नज़ारा है। अरे आ गए रोहन कुमार जेली आ गए, क्या क्या लेके आ गए क्या सामान? क्या क्या लेके आए? इसमें चाय पत्ती मिल जाएगी आपको, चीनी मिल जाएगी, दूध की व्यवस्था मैंने कर दी है लगभग। दूध तो अभी वहाँ ढूंढने के ऊपर भूल गया, तो दूध की व्यवस्था अपन कर देंगे। बनाने के लिए कुछ लेके आए, बनाएंगे किसमें? अरे यार यार रोन कुछ भी काम यार बिल्कुल तरीके से नहीं होता यार, बनाएंगे किसमें? अब भाई वापस मैं नहीं जा सकता, मुझे क्षमा करे वापस मैं नहीं जा सकता। अरे यार चलो करते हैं कुछ व्यवस्था। तो गाइस यार माइंड ब्लोइंग, इतना मेहनती लड़का, इनके लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना यार, बड़े मेहनती आदमी है। तो रोन यार देखो चाय पत्ती की सारी व्यवस्था होगी, दूध भी व्यवस्था करते हैं अपन भाई। और कोई बनी बकरी वकरी मैंने उधर देखा कुछ बकरी वकरी कुछ है वैसे वैसे यार। हाँ इधर पिला हाँ, तो कोई बात नहीं चलेंगे यार, चाय तो पी के चलेंगे आज। और रोन कोई दो तीन पत्थर पत्थर लो चाय तो इसमें बनेंगे। अरे रोन रोन बकरी मिल गई, जल्द निकाल लेगा दूध तो। हाँ बहुत बढ़िया रोन, आज तो मजा अरे गजब। बस यार रोन पत्थर पत्थर लिया, बाकी मिल गया, अपन चाय तो अपन इसमें बनाएंगे। अरे आपको व्यवस्था हो जाएगी सारी यार, तू पत्थर की व्यवस्था कर। अरे यार इसमें क्या चाय बनेगी? तो पत्थर ला यार, मैं बनाऊंगा चाय। पत्थर यार पहाड़ पर आए, पत्थर नहीं ला सकता। ला दे पत्थर को उधर से लिया कर, नहीं मिल रहे तो पत्थर तो बहुत है यहाँ, है क्या पत्थर ये बस। रोन रोन उधर ला यार, उधर लिया इनको, वहाँ बनाएंगे चाय फिर पियेंगे बढ़िया चाय। बकरी की दूध की व्यवस्था हो चुकी है, अब रोन अपने पूरी चूल्हा वाला बना के बनाएंगे चाय वाई। चाय तो मैं बनाऊंगा, ये तो बस सब करेंगे, माचिस वाचिस तो लेके आएंगे ना, नहीं क्या उसमें बात फिर क्या दिक्कत होगा? चाय बनाते गाइस, बनाते हैं चाय।
रोहन देखो क्या क्या लेके आया, अदरक, इलायची और एक काली मिर्च। रोहन का मतलब कोई जवाब नहीं है दोस्त। आज हमने सोचा पहाड़ पर चाय पीने की मतलब पहाड़ पर चाय पी के ही जाएंगे। रोहन एक चीज फिर भूल गए अपन। क्या चीज? चाय को छानेंगे किसमें? अरे यार मेरे पास मजा है अपनी जुराब। हेलो, हाँ मामा जी। अच्छा बकरी मिल गई? ठीक है ठीक है मामा जी, आ रहे हैं ना थोड़ी देर में। हाँ पहाड़ में इधर लेके आ रहे हैं, लेके क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं ठीक है।
काश चाय में भयंकर उबाल आ रहा है तो मामा जी फोन आ रहा है मामा जी फोन आ गया कि बकरी मिल चुकी है अब मैं तो चाय पी के फिर चलेंगे घर पे गाइस यहां पे पचकी आवाज और मजा आया यार इस चाय में पचकी मैं लगी थी चाय में पचकी आवाज और मजा आया अगर पचकी आवाज सुनिए तो भाई हम डिस्कशन में वीडियो डालेंगे आप देखना ना बोले पचकी आवाज नहीं पानी लगा भैया तो हम भी टेस्ट करो पानी गाइस हमारे काम को देखते हुए सूरज अब निकलने लगा क्यों चंदन हो गई है गाइस यार द अमेजिंग यार अरे टाइम बिल्कुल तैयार है क्या यार इधर उधर खड़ा रही या मैं उठा ले फटाफट तो बोल दी सही टाइम टाइम गाइस चाय लगभग बनकर तैयार हो चुकी है यार देख रहे हैं ये चाय का उबाल चाय में उफान आ रहा है मुझे यार भाई चीनी कम लग रही है इसमें चीनी में सब ठीक है अपन पी लेंगे यार मैं तो पहली बार देख रहा हूं यार मटकी के अंदर चाय जो भी लोगों की मटकी इसके बाद में एक सरप्राइज होगा आपके लिए वो सरप्राइज मुझे नहीं पता दोस्तों तो गाना सुनाना बस को बन रहा हूं चाय खत्म कर दो गाना गाना यार चाय सामग्री सामग्री कुछ नहीं होती बेटा यार आप चाहो तो नहीं बना ले सकते हो गाइस हमें चाय छानने के लिए मिल गया भाई का चाय इससे छानेंगे अभी अपन और देखते हैं कैसा अमेजिंग हां बकरी ले आने के लिए चाय से लाएंगे अपन अब मैं काम करूं रुको अरे अभी लेटा अभी लेटा भाई इनको कर आप और इसको लेकर आऊं चाय के पास अरे ये पानी ना आपको ये आग अभी बुझानी दोस्तों कहीं भी आप ऐसे पहाड़ों इलाकों पे कहीं चाय बनावे तो प्लीज आप तो अभी बुझावे क्योंकि छोटी सी आग बड़ा धमाका कर सकती है बस मेरा मैसेज आपके पास यही है हटा दूं मैं इसको हटाओ गाइस चाय बन के हो चुकी तैयार चाय इसको भी बुझा देंगे पहले पहले मिट्टी से मिट्टी कम 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 भैया भैया भाई हमारे पास पानी नहीं पीने लायक बोले पानी को पानी क्योंकि हम लोग पहाड़ पे चढ़ के आए तो गाइस यार आराम से भाई उस तोड़ी से पकड़ लो आप कोई दिक्कत आएगी तो धीरे 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 रुक 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 बस मैं नहीं मैं तो इतनी पीऊंगा इनको करूं डाल दो अपाजी लेकर नहीं भाई इसको फोड़ लेंगे अपन अब वो आई पता नहीं पर आएगी ओ राम राम गिरी गिरी भाई आइंदा कैसा खुलिया ये देख सुधारा अपने ऊपर चाय मेरे साथ बहुत है भाई थोड़ी सी गाइस आपके लिए भी चाय बच गई अभी इसमें भाई तो ये बाइक को फोड़ते हैं मैं गिटार लेकर आता हूं मैं इसमें पी लूंगा चाय कैसे लगा दे अरुण रुन ये हो गया काम अपना चाय ढूंढ जाती गाइस गाइस चाय लेके बैठे हैं हम लोग पहले चाय पिए पहले गिटार गावे नहीं पहले चाय पियेंगे हम पहले चाय पियेंगे यार हम गाना चला दो यार एक बार हाँ गाना जल्दी चलो दोस्तों इस गाने के साथ मैं एक बंदे का नाम लेना चाहता हूँ जिसने मेरे को ये गिटार सिखा रहा है मेरे गुरुजी एक तरह से दीपक फ्रांसिस वो बहुत ही अच्छा गिटार बजाते हैं उन्होंने मुझे ये कोड सिखाया ये गाना सिखाया कि आप इस कोड पे ये गाना गा सकते हो एक बार प्ले ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम नगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ओ तेरी जीत मेरी जीत तेरी हार मेरी हार सुन मेरे यार तेरा गम मेरा गम तेरी जान मेरी जान ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी हे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम नगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे थैंक यू गाइस
गाइस ये चाय खत्म करके एक वीडियो और एक गाना गाता हूँ आपके लिए। तो रावण कुमार जी अब एक सुनाएंगे एक नया गाना। इनको पहले एक चाय की सिप पिला देते हैं। माइंड ब्लोइंग चाय यार। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इसमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। दोस्त रात बहुत हो गई है, अभी हमें चलना चाहिए। तो गाइस यार चाय हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी लगी, माइंड ब्लोइंग यार। मैं रोहन कुमार जेलिया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने चाय के सामान की पूरी व्यवस्था करी और साथ में दो गाने सुनाए। ये बड़ी धुन बड़ी प्यारी लगती है। एक हसीना थी और एक दीवाना था। तो गाइस सामान समेटते हैं और आप चलते हैं घर पे। ओके गाइस रुक जा। गाइज अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप सबने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रखा है तो हमारे लिए एक सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस।